तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जो जैंग के ऊपर है, पैंट के जैंग के ऊपर है। तो वीडियो कंप्लीट देखना और सबसे पहले जैंग को समझाऊंगा, पूरा मेजरमेंट करके बताऊंगा, फिर जो है पूरे मेजरमेंट करके बताऊंगा। ओके, तो ये मेजरमेंट आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मिस करके तो बहुत ज्यादा आप मिस्टेक करोगे मेजरमेंट में। जो मेन मेजरमेंट होता है, कटिंग से कई गुना ज्यादा मेजरमेंट को महत्व देना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जांग के ऊपर है तो जांग प्रॉपर बताएंगे। सबसे पहले अच्छे तरीके से लंबाई लेने का भी तरीका, सब चीज तरीका अच्छे से बताएंगे। ओके, प्लस और बैक चलो इधर। आज का जो पैंट चल रहा है दो तीन किस्म का चल रहा है। एक ऐसा चल रहा है कि लंबाई ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे चुन बैठना चाहिए, कम मोड़ी पे चुन बैठना चाहिए। एक बार आए कि इतना पे होना चाहिए, इतना में, ठीक है। कोई इसको दिल्ली मॉडल बोलता है, बॉम्बे कट बोलता है, तो जो भी कट हो भाई, चलिए मेजरमेंट करके डिटेल्स में सिखा दे। मेजरमेंट लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ ये देखिए, यहाँ कमर। सबसे पहले कस्टमर से पूछ ले कि वो कहाँ से पैंट पहनता है, कितने लोग लटका के नीचे पहनता है, कितने लोग ऊपर चढ़ा के पहनता है, कितने लोग मीडियम पहनते हैं। ये काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पूछ ले कस्टमर से कहाँ से पहनते हैं, या न पूछना पार लगे तो इंसिटेप को धरा दीजिए, पूछिए आप जहां पहनते हैं वहां इसको रख लीजिए, अच्छा होगा आप ही इसको रखें, ठीक है, क्योंकि कस्टमर नर्वस आ जाता है कभी कभी, तो इस चीज को ध्यान रखें। और ये लंबाई अगर है तो ये हड्डी है ना, आपको कोई छोटा बोलेगा दिल्ली मॉडल तो ये हड्डी है, तो हड्डी से ऊपर रख सकते हो, या हड्डी जो है वहां तक रख सकते हो। अगर कोई बोले कि कम मोड़ी में चुन आना चाहिए, लंबाई ज्यादा होना चाहिए, तो बिल्कुल नीचे तक, जमीन तक जितना है उतना आप बना सकते हो, क्योंकि पैर तो यहाँ रुक जाएगा ना, तो चुनी इसमें आ जाता है। दो हो गया तरीका, ठीक है। और एक और तरीका मेजरमेंट लेने का बता दूं कि जो नहीं बता पाए बच्चा है, तो जो नाभि होता है ना, नाभि से, ये जो नाभि होता है, नाभि से एक इंच नीचा पैंट जो ऊपर से पहनता है उसको यहाँ से रखे, चाहे बच्चे का मेजरमेंट करे तो नाभि से एक इंच या आधा इंच नीचे रखकर मेजरमेंट कर ले पूरा लंबाई बच्चे के लिए। ओके, तो एक तरीका हो गया। फिर जो है कमर का बता रहे, कमर जो है आजकल देखोगे कमर तो अगर यहां नापोगे नाभि के पास कम हो जाएगा, इसके नीचे नापोगे ज्यादा होगा, इसके भी नीचे नापोगे तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या है कि पेट कम होता है जिसका और नीचे हिप बढ़ते चला आता है, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि जहां से वो पैंट पहनते हैं वहीं पे कमर नापे, अगर नीचे लटका के पहनता है तो वहीं पे नापे। जैसे कि मैं बता दूं कि देखिए ये अगर यहाँ पे नाभि के पास पहनेगा तो इसका मेजरमेंट जानते हैं कितना है जी, ये देखिए 25.5, यही हम नीचे आते हैं 2 इंच, जैसे कि ये यहां से पहनेगा यहां से। ओके, तो यही देखिए इसका जो मेजरमेंट हो गया, वाओ 28.5। तो आप लोग कमेंट करते हो कि सर नापते कुछ और है और उसमें अटता ही नहीं है, तो ये रीजन होता है मेजरमेंट का, तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ से जहां से पहने वहीं से कमर का मेजरमेंट लें। और हिप का मेजरमेंट लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि मोबाइल पर्स निकलवा दे, ठीक है, जींस पहना हुआ है, अगर हार्ड जींस है उसको बोले कि पैंट पहन के आए, नहीं तो जींस के ऊपर नापी लेना है, तो आप दोनों पैर को सटवा दे, दोनों पैर को, और पीछे देखिए ये जो हिप फेंका हुआ रहता है ना, ठीक है, वहां से इसको साइड में इंचिटेप रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से ले जाएंगे। जींस है तो इसको हल्का एक टाइट कर देंगे, इस तरीके से टाइट कर देंगे, हल्का ज्यादा नहीं, जितना आ रहा है ना उसे आधा इंच टाइट कर देंगे। और पैंट है तो इसे यहाँ पे अंदर देखिए, अंदर मेरा 2 इंगली है अंदर, और ये मेजरमेंट कर लिया, तो ये 32.5 आ रहा है, परफेक्ट। हिप नापने का फॉर्मूला है, और लटक जो है हिप के अनुसार आप चौथाई भाग रख सकते हो उसमें, अगर लटका के पहनता है तो आधा इंच कम कर दो, लटका के नहीं पहनता है तो चौथाई में मार्क लगा दे, और सबसे अच्छा होगा उसका मेजरमेंट ले ले। तो ये देखिए बैक साइड में जहाँ पे उठाना, ये हिप का मेजरमेंट यहाँ से इस तरीके से जहां से पहने वहां पे ले लेंगे, चाहे जहां से पैंट पहने वहां से, नहीं तो पहनेगा वहां से, और फिर आगे जो है इस तरीके से ये ले लेंगे, ठीक है, जितना है। तो इसका आ रहा है 24.5, पूछेंगे कि नीचा ठेक रहा है, बोलेगा कि हाँ तो हल्का लूज कर देंगे, बोल रहा है कि नहीं ज्यादा नीचा है तो हल्का टाइट कर देंगे, देखेंगे ये कहाँ से पहन रहा है, किसी का 22 आता है, 21 आता है, 23 आता है। ओके, तो ये ऊपर से पहना हुआ है इसलिए ना रहा है, तो ये लोअर है, पैर जो है नीचे से पहनेगा तो इसका जो आएगा वो 22.5 आएगा। इसके बाद आते हैं जांग, जांग आने के बाद तो ये मेजरमेंट काफी ज्यादा जरूरी है जांग का, कितने लोग जांग यहां से नाप लेते हैं, जांग यहां से नाप लेते हैं, ठीक है, और इसके अनुसार यहां से जांग नाप लिए और कटिंग करेंगे और उसमें लूजिंग
डेढ़ इंची दो इंच सवा दो इंची देंगे, जैसे कि मैं सिखाया या कोई भी दर्जी सिखाया ऑनलाइन जो सिखा रहे हैं उसका वीडियो आप देख लिए और उस तरीके से कटिंग कर दिया जाएंगे जाके फंस गया कपड़ा, क्या बोलोगे सर आप गलत सिखाए, आप गलत कोई नहीं सिखाता है दोस्त, आप गलत मेजरमेंट ही किए हो। ठीक है, तो मेजरमेंट करने का तरीका है कि देखिए यहां से ये ऊपरी परत पे कर दिए और यहां से इस तरीके से ये देखो उंगली जो है मेरा दो तीन उंगलियां इसके अंदर है मेरा ऑलरेडी देख लो। ठीक है, तीन उंगली है और इसको हम मेजरमेंट किए पूरा फिक्स फिटिंग के लिए, ये आ रहा है 19 फिक्स फिटिंग के लिए। अगर ये बोल दिया कि जाएंगे में लूज चाहिए, हल्का लूज चाहिए, ज्यादा लूज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको लूजिंग दे देंगे आधा इंच, सही है, तो ये बोलेगा हाँ सही है, तो सही है, एक इंच दे देंगे बोलेगा क्या सही है, सही है, इसके अनुसार लूजिंग दे, उसके बाद सवा इंच या आधा इंच लूजिंग दे, उसके बाद का वो चीज है। ओके, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हम बताएंगे क्यों इसका जो आ रहा है 19 आ रहा है, तो फिक्स अगर इसी पे कटिंग कर दोगे आधा इंच देके तो सिलाई में लगभग जो है फर्स्ट पल्ला में नहीं जाता है मार्जिंग, तो डेढ़ इंच सिलाई में चला जाएगा, डेढ़ इंच सिलाई में चला जाएगा और पैंट ऊपर नीचे करके फेंकेगा चाहे बैठता है ना जांघ फैलता है, इसके लिए जो है डेढ़ इंच सिलाई में चला गया आधा इंच दोगे मार्जिंग तो एक इंच वो कवर करने के लिए हो जाता है, तो वो फॉर्मूला हुआ। ठीक है, वो फॉर्मूला हुआ, लूजिंग आप यहां से दे सकते हो जितना उसको चाहिए, अगर फिटिंग चाहिए बिल्कुल सटा हुआ तो सटा हुआ इस तरीके से तीन उंगलियां अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल ऊपरी परत में जाएंगे नीचे नहीं, और मेजरमेंट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे लूजिंग चाहिए जैसे कि आधा इंच देखिए तो सर इतना ठीक है, तो पूछ लेंगे कस्टमर से पूछेंगे और उसमें लूज करने का मार्जिन जरूर देंगे, अगर नैरो पैंट बनाओगे नीचे भी पतला मोड़ी है तो ऊपर से नीचे तक आप मार्जिन देकर कटिंग करो। ठीक है, तो ये जान लेने का हमने तरीका बता दिया जो आप सबको बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, इसके बाद डायरेक्ट आप मोहरी इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो, जिसका मोहरी बिल्कुल सटा हुआ रहना चाहिए इस तरीके से, अगर इस तरीके से अगर पोलोथिन पहन के निकालता है तो इस तरीके से सटा हुआ इस तरीके से मेजरमेंट कर ले, उसमें आप डेढ़ इंच लूजिंग दे दे या दो इंच लूजिंग दे दे, ये जो हड्डी है ना यहाँ फिक्स मेजरमेंट करेंगे ये आ रहा है 10 दोस्त, ठीक है, एक उंगलिया दो उंगलिया मेरे अंदर है और यहाँ पे दो इंच लूजिंग दे रहे हैं, ये देखिए अगर दो उंगलिया डाल के ये बिल्कुल फिक्स 10 आ रहा है, इसमें दो इंच लूजिंग देंगे तो ये आ गया 12 ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब पोलोथिन डाल के वो पोलोथिन पहन के निकालेगा तो उसमें डेढ़ इंच लूजिंग दीजिए, तो ये फिटिंग रखने का फॉर्मूला हो गया, ये मोहरी हो गया। अगर आपको घुटना भी मेजरमेंट करना था किस तरीके से करेंगे, ये देखिए बिल्कुल फिक्स रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये घुटना हो गया और ये देखिए तीन उंगलियां मेरे अंदर है, इसमें तीन उंगलियां अंदर है, अगर स्ट्रेचुअल पैटला मरने वाला है तो यहाँ आधा इंच लूजिंग देकर फिक्स लिख लेंगे 14.5। ठीक है, लमड़ने वाला नहीं है उसको यहाँ पे फ्री चाहिए बैठने उठने के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे सटाकर और इसमें डेढ़ इंच लूजिंग दे देंगे, ये देखिए 15.5 आ गया। ठीक है, और कटिंग के समय इसमें कितना लूजिंग देते हैं बैक पाला में 1.25 देते हैं। ठीक है, फिटिंग के लिए और लूज के लिए 2 इंच देते हैं, इससे क्या होगा डेढ़ इंच सिलाई में चल जाएगा, जो बचेगा वो मैनेज जो ठेवना उना मोड़ाता है ना उसमें मैनेज करता है। ओके, और यहाँ पे हम ठेवना मोड़ने उड़ने के लिए मैनेज दे दिए, जैसे कि फिक्स आया 14 तो इसमें डेढ़ इंच लूजिंग दे दिया। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लूजिंग दे दें, या ठेवने का मेजरमेंट नहीं लेंगे तो ये स्केल मेरे पास ऐसा स्केल है जो जांघ का और नीचे का मेजरमेंट करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, तो वो स्केल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ले सकते हो लकड़ी का जो है। और आई होप मैं जो समझाने की कोशिश किया हूँ बताने की कोशिश किया हूँ अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और भाई दर्जी के लाइन में कुछ करना चाहते हो तो मेहनत जम के किया करो और कमाने का जरिया 2 से 3-4 बनाए ताकि आप हमेशा खुश रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। ओके।